पसंद करते हैं, चुनते हैं और आपके ओपोनेंट क्रिटिसाइज तो करते हैं लेकिन इफेक्टिव फाइट नहीं दे पाते। काम है, खिदमत है और भाई 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 इसकी वजह से मुसलसल आवाम का भरोसा, एतमाद और उनकी दुआएं हमारे साथ रही हैं और हर इलेक्शन ये बता रहा है कि मेजॉरिटी अक्सरियत बढ़ती रही है। खासतौर पे आपके इलाके की बात करें जहाँ पर ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इलाका है, काफी यहाँ पर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, आपके एक काम के लेकर बार बार हमारे हम जब जाते हैं ग्राउंड पे तो चर्चा जरूर होती है, वो आपके एजुकेशन को लेकर, आप जो एजुकेशन में काम कर रहे हैं, आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उसके बारे में बार बार लोग बात करते हैं, क्या ये एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन हैं ये आप खुद से करते हैं या गवर्नमेंट से फंडेड हैं, क्या है इनका और कैसे ये लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है, कैसे वोटर्स को काफी इफेक्टिवली इन्फ्लुएंस करता है? देखिए 99 में जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त मैंने सबसे पहले जो वादा किया था वो वादा ये था कि इंतशार का खात्मा करेंगे, इत्तेहाद को पैदा करेंगे, आपकी आवाज को हिंदुस्तान भर में पहुंचाएंगे और दूसरा वादा ये था कि मासूम बच्चों के हाथों में कलम थमाएंगे और खाने पर किताबों की वस्तुओं का बोझ देंगे। यही बातें थी जिसकी वजह से अवाम ने कबूल किया और आज से 25 वर्ष पहले मुझे कामयाबी दी। उस फर्स्ट टर्म में ही हमने हमारे एजुकेशन के तरफ काम करना शुरू किया था, जब चंद्रायन गुट्टा का बहुत सारा हिस्सा आज या खुतपुरे में है तो वहाँ से हमने अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ किया, स्कूल का आगाज़ किया और आज 14 बिल्डिंग्स हैं, ऑलमोस्ट 9 स्कूल्स हैं और फिर इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आई थिंक मोर 3 स्कूल्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन, 15,000 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट से फंडेड नहीं है, ना ही MIM पार्टी से फंडेड है, बल्कि ये मेरे पर्सनल है, मैं और मेरी फैमिली इसको चलाते हैं। अगर हम बात करें सर पॉलिटिक्स, ये तो आपके सोशल वर्क हो गए, कितना डिफरेंट है, आपके वालिद भी पॉलिटिक्स में रहे, आप फिफ्थ टाइम में मिले हैं, कितना डिफरेंट है उस एरा का पॉलिटिक्स अभी का पॉलिटिक्स और क्या लगता है क्या होगा तेलंगाना में? काफी गर्मा गर्मी है, कांग्रेस दम भर रही है, बीजेपी दम भर रही है, आप तो हैं ही मैदान। देखिए पॉलिटिक्स फादर ने जो की थी वही पॉलिटिक्स को हम भी कर रहे हैं। माय फादर उस वक्त एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को बनाए थे, प्रोफेशनल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और आज हम बुनियादी तालीम पर तवज्जो दे रहे हैं और इलेक्शन में तो हर कोई दावे करता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जहाँ जहाँ MIM लड़ रही है वहाँ से MIM कामयाब होगी और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट और हमारे पार्टी ने यही कहा है कि MIM वोट दे जहाँ पे MIM है और बाकी जगह BRS को। तो मुझे उम्मीद है कि MIM भी जीतेगी जहाँ जहाँ लड़ रही है और BRS भी अक्सरियत हासिल करेगी। अगर हम बात करें कांग्रेस की सर, कांग्रेस लगातार MIM पे, MIM के मुखिया हैं, सदर हैं, असदुद्दीन ओवैसी, उनके ऊपर टारगेट करते हैं, आपके ऊपर भी टारगेट करते हैं, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं रेवंत रेड्डी तो वो खासतौर पे आप लोगों के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि आप लोग एक मैच फिक्सिंग कर रखी है बीजेपी के साथ और उसकी वजह से आप लोग जो है दूसरे राज्यों में जहां कांग्रेस को हराने का काम करते हैं यहां पर इफेक्टिवली आप बीजेपी से फाइट नहीं करते? देखिए हम हर वक्त करते रहे हैं, जिस वक्त मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का अहिया हुआ था उस वक्त भी लोगों ने यही कहा था कि हैदराबाद में MIM की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए आप स्ट्रगल ना करें, बल्कि यही रेवंत रेड्डी के जो और राहुल गांधी के नाना थे जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने भी कई मरतबा अपने लोगों को भेजा और मेरे ग्रैंडफादर अब्दुल वाहिद ओवैसी से कहा कि ये कागज है इस पर दस्तखत कर दीजिए और कह दिए कि नॉन पॉलिटिकल पार्टी रहेगी MIM तो हम आपको रिलीज कर देंगे। वो 11.5 महीने जेल में थे और हमने जिद्दोजहद की उसके बाद और उसका नतीजा आज ये है कि प्रोफेशनल कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, हमारे स्कूल्स है, MP है, MLAs है। तो अगर आज हम पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं करेंगे और अगर आज हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर पार्टी सुपर के रह जाएगी।